सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन होता है और बहुत सारे लोग शिव जी का व्रत करते हैं। लेकिन सोमवार के दिन आपको ध्यान रखनी चाहिए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गलतियां जिनको अगर आप भूल कर भी कर देते हैं, जाने अनजाने में भी कर देते हैं, तो इसका बहुत बड़ा भुगतान आपको भुगतना पड़ता है। उससे पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप वाकई में भगवान शिव जी को अपने दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमः शिवाय। माना भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं, वैसे तो भोले भंडारी हैं, किसी की बातों का बुरा नहीं मानते और बहुत जल्दी खुद प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भोलेनाथ को पसंद नहीं आती। आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी बातें हैं। सबसे पहले उठते ही हम क्या करते हैं, सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके भगवान को याद करते हैं, भगवान से विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े काम बना दें, हमारे जीवन से मुसीबतों को दूर भगा दें। भगवान को अधिक प्रसन्न करने के लिए हम विधि विधान से तरह तरह के पूजा पाठ अर्चना आदि जैसी चीजें करते हैं ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। और इसी कड़ी में भगवान के नाम का उनके समर्पित दिन पर हम स्मरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में तो अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं को डेडिकेट कर दिया गया है। सोमवार को शिव जी का व्रत रखो, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखो, बुधवार को गणेश जी का, बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु का, शुक्रवार को माता लक्ष्मी का, शनिवार को हनुमान जी का, संडे को सूर्य देवता का व्रत रखो। और इस तरह अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं के नाम से व्रत को रखने की परंपरा है। भगवान अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जब बात उपवास की आती है तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सोमवार का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग सोमवार को शिव जी का नाम व्रत करते हैं। लेकिन आपको आज हम बता दें, शिव जी के नाम का व्रत रखने का मतलब सिर्फ एक या दो वक्त खाने का परहेज नहीं है, बल्कि इसके कुछ नियम और कायदे भी हैं, जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन नियम और कायदों का पालन नहीं करता, उसका सोमवार का व्रत फेल हो जाता है। और साथ ही माना जाता है कि उल्टा शिव जी का प्रकोप इन लोगों को झेलना पड़ सकता है। अगर आप भी शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी की अक्सर पूजा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गलतियां बिल्कुल भी भूल से भी आपको नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन कई बार लोग फलाहार या फरियाल करते समय अनजाने में नमक का सेवन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार के व्रत को रखते समय आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपके एक वक्त का भी उपवास रखा है और शाम को एक समय भी खाना खाते हैं तो भी आपका बिना नमक वाला ही भोजन होना चाहिए। अगर आपको नमक की ज्यादा जरूरत है तो आप थोड़े से सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को आपको भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको उपवास वाले दिन ध्यान रखनी चाहिए वो है ब्रह्मचर्य का पालन। स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है, अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। इस दिन भूल कर भी आपको संबंध नहीं बनाना चाहिए, वरना आपका ये उपवास फेल हो जाएगा। शिव जी का प्रकोप उल्टा झेलना पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना गया है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी भी किसी बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से अपने बुजुर्गों की, घर के बड़ों की, माता हो, पिता हो, बड़े भाई हो, भाभी हो, कोई भी हो, बहन हो, जीजाजी हो, जो भी लोग हैं आपके जीवन में, उन सभी का आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप स्कूल जाते हैं तो टीचर्स हो, आप कहीं ऑफिस जाते हैं तो आपसे बड़े सीनियर्स कलीग्स हो, जो भी अच्छे हैं, बड़े लोग हैं, उनका अपमान सोमवार के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन अपनों से बड़ों का अपमान अगर आप करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा किसी से करते हैं तो माना जाता है शिव जी आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते।
आपको उस उपवास का कोई फल नहीं मिलता, और उल्टा आपको कभी कभी अगर गलती आपकी हो तो आपको दंड की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, सोमवार के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा आपको नहीं करनी चाहिए। कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, बीच में आप दोस्तों के साथ गए, किसी ने आपके दोस्तों को मारा, आप भी उस हिंसा में शामिल हो गए, या कहीं पे कुछ हिंसा हो रही है और आप वहाँ जा रहे हैं, किसी जानवर को आप मारते हैं या किसी तरह का नुकसान करते हैं, ये सब आपको नहीं करना है। किसी भी जीव को मारकर खाना, कई लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, वो खाना किसी को मारना होता है, सोमवार के दिन ये सब काम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन आपको तामसी भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप शिव जी को मानते हैं तो आपको तामसी भोजन त्याग कर सोमवार के दिन शुद्ध भोजन करना चाहिए। तामसी भोजन का आपको त्याग करना चाहिए। लोगों से अपशब्द का प्रयोग ना करें, गाली गलौज ना करें, अपशब्द ना बोलें, किसी के मन को दुख पहुंचाना बहुत ही गलत बात होता है और इससे शिव जी नाराज हो जाते हैं और उनके प्रकोप को आपको झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, उपवास वाले दिन दोनों टाइम आपको शिव जी के सामने बैठकर जरूर प्रार्थना करना चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय आरती गाएं, नहीं तो कम से कम शाम के समय आपको आरती जरूर करनी चाहिए। शिव जी के सामने अगरबत्ती जलाएं, धूप दिखाएं, घी का दीपक जलाएं, हो सके तो थोड़ा सा जल चढ़ाएं, थोड़े से कच्चे दूध और पंचामृत से अभिषेक करें, दूध दही घी चीनी शहद आदि से अभिषेक करें। इस तरह से आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। हो सके तो सोमवार को आपको शिव मंदिर जाना चाहिए और एक नारियल जरूर फोड़ना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों में बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है, बात बात पर लोगों को घुमाने की आदत होती है। आपको भी अगर झूठ बोलने की आदत है, हर बात में अगर आप निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, तो दोस्तों इस तरह की चीजें अगर आप करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आप शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। हमारे धर्म में जब भी हम देवी देवता का पूजन करते हैं तो प्रसाद संबंधी कुछ विशेष नियम होते हैं। इसी में शिव जी को माना जाता है कि अखंड, धतूरा, बेलपत्र आदि आपको चढ़ाने चाहिए। जब भी हम परिवार में मिलकर आरती गाते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर ताली बजा बजा के आरती गाते हैं। माना जाता है कि तालियों की गूंज से प्रार्थना के शब्द भगवान तक जरूर पहुंचते हैं। परंतु आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी के मंदिर में ताली बजाना वर्जित माना गया है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। शिव मंदिर में खास अवसरों को छोड़कर ताली नहीं बजाना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान वो गहरे ध्यान में होते हैं। पौराणिक कथाओं में भी सुनने को मिलता है कि शिव जी का ध्यान भंग करना बहुत ही मुश्किल कार्य रहता है, और भगवान शिव ने एक बार कामदेव तक को भस्म कर दिया था क्योंकि उसने शिव जी के ध्यान को भंग करने का दुस्साहस किया था। इसलिए कहा जाता है कि शिव मंदिर में शांति का माहौल बना के रखना चाहिए। जब भी आप शिव मंदिर जाएं, आप शांति से चुपचाप पूजा करें। शिव जी लगातार जल धारा के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं, उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता। ध्यान और समाधि लगाने के लिए वो शमशान हो, कैलाश हो, हमेशा निर्जन स्थान पर ही रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग के पास तीन बार आपको ताली नहीं बजानी चाहिए, ये शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश होता है और भगवान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। बेवजह शिव जी का ध्यान भंग करने से उनका क्रोध भड़क सकता है। इसका खामियाजा जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, माना जाता है कि शिव जी के साथ ही शिव जी के परिवार भी नाराज हो जाते हैं, उनके भूतगण तक रुष्ट हो जाते हैं। जब शिव जी की पूजा हो रही हो तभी आपको सिर्फ ताली, शंख, घंटी या अन्य वाद्य बजाने चाहिए। इसके अलावा मंदिर में कभी भी आपको बेकार के वाद्य नहीं बजाने चाहिए। तो दोस्तों, हमने आज आपको बताया कि शिव मंदिर में किस प्रकार से आपको क्रोध भी नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की तामसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपका तामसिक व्यवहार आपको आगे नहीं बढ़ने देता। किसी से मारपीट, हिंसा आदि सभी चीजों से बचे रहना चाहिए। और जिस दिन आप व्रत रखते हैं, सोमवार के दिन, या नहीं भी करते हो तो भी आप शिव भक्त हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए, क्या आप बता सकते हैं
शिव जी की तीसरी आंख क्या है? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में नीचे दीजिएगा।